तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने आज के इस मैराथन वीडियो में। बिकॉज आज की ये वीडियो जो है ना वो क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर विघु तावेश तथा क्षेत्र के पूरे वायरल आंके प्रश्न देखने वाले हैं। यानी कि वो सारे क्वेश्चन तो 2024 में 23 में 22 में दोस्तों धुआंधार तरीके से पूछे गए थे और जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ के आ चुके थे। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले, डोंट वरी चैप, कितने ही वीक हो, जीरो से हीरो तक लिखा है ना हमने। यानी कि छोटे सवालों से बड़े सवाल जो एग्ज़ाम में एक नंबर से पाँच नंबर तक के पूछे गए ना, वो सब एक एक करके हम करने वाले हैं। और फिर अगर आपने सारे क्वेश्चन को कर लिया ना तो कोई भी आपको एग्जाम में सवाल छूट के नहीं आने वाला है। स्टूडेंट्स हर एक सवाल आप करके आओगे, एक भी नंबर नहीं जाएगा। मालूम है इंट्रो वीडियो का हम वीडियो बनाने के बाद शूट कर रहे हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं कि वीडियो में हर एक चीज़ अच्छे तरीके से आपको कराया है, चीज़ों को समझाया है, फील कराते हुए मज़ेदार तरीके से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेहनत लगी वीडियो में तो लाइक और शेयर भी इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को करिएगा, ठीक है। चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का फायदा आप सभी जरूर उठाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो हमको फॉर्मूलेज बताएंगे पूरे चैप्टर के एक सिंगल बोर्ड में, ताकि आपको हर एक चीज़ रिकॉल हो जाए माइंड में, फॉर्मूला आपको माइंड में रिपीट हो जाए, आप फिर एग्जाम के सारे सवालों को हम उड़ाते चलेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज को देख लेते हैं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस खेले जाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले वी डिस्कस द फॉर्मूलास फॉर, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एन ई ये फॉर्मूला है, ये कहता ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन का एन गुणा होता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले को फॉर्मूले की ओर कि अगर कोई भी दो आवेश है क्यू वन, दूसरा आवेश है क्यू टू, आर दूरी पर है, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वह होता है के क्यू वन क्यू टू बटे में आर का स्क्वायर। ये हमने किसने बताया स्टूडेंट्स, कुलाम जी ने बताया। बेहतर फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इस पर सवाल पूछा गया है, इस पर भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि के आखिर क्या है, के का जो मान होता है वह 9×10⁻⁹ होता है, ठीक। और यही तो दोस्तों 1/4πε0 भी होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे फॉर्मूले की ओर जो कि बताएगा वैकु क्षेत्र, ठीक है। तो वैकु क्षेत्र का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है बल कितना एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। और यही दोस्तों आगे हो जाता था कि q बटे में r स्क्वायर, मतलब कि एक q आवेश के कारण r दूरी पर वैगु क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खटाखट बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला किससे संबंधित, वैगुत द्विध्रुव से। सबसे ज़्यादा सवाल इसी वैगुत द्विध्रुव ध्रुव के फॉर्मूले पर बनते हैं। क्या क्या इसका फॉर्मूला है, वैगुत द्विध्रुव का पहला फॉर्मूला है दोस्तों वैगुत द्विध्रुव का आघूर्ण जब पूछा जाता है, ठीक है। तो वैगुत द्विध्रुव का आघूर्ण हम दिखाते हैं पी से और ये बराबर होता है किसके, क्यू इंटू 2L के, क्लियर। और वैगुत द्विध्रुव कैसा होता है ये आप जरा देख लीजिए, तो जो वैगुत द्विध्रुव होता है वो इस तरीके से होता है, दो आवेश होते हैं प्लस का एंड एक माइनस का आवेश होता है, दोनों दोस्तों 2L की दूरी पर होते हैं, तो इसका आघूर्ण ये होता है, ठीक है। एंड इसके कारण वैगु क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वैगु क्षेत्र की तीव्रता, जैसे इस वैगु द्विध्रुव के कारण पूछ लिया, स्थिति पर अक्ष स्थिति पर कोई एक बिंदु है पॉइंट, यहाँ पर आपसे वैगु क्षेत्र पूछ ले तो, ठीक है, और कह दे कि ये बिंदु आपका यहाँ से मध्य बिंदु से आर दूरी पर है, क्लियर। तब वैगु क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कहाँ पर स्टूडेंट्स, चौथे का दूसरा सवाल हम दूसरा क्वेश्चन दूसरा फॉर्मूला चौथे का क्या बन जाएगा कि आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष पर वैगु क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा 2kp बटे में r का क्यूब। ये हमने डेरिवेशन भी किया था, क्लियर। हम क्या करते थे, जब l को जीरो के बराबर लेते थे तब ये आता था अक्षीय स्थिति पर वैगु क्षेत्र की तीव्रता वैगु द्विध्रुव के कारण, लेकिन अगर पूछे निरक्षीय स्थिति पर वैगु क्षेत्र की तीव्रता तो ये kp बटे में r क्यूब होती है। ज़्यादातर अक्षीय स्थिति पर ही पूछा जाता है, निरक्षीय स्थिति पर कम पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन भी इजी तरीके से हमने कराया था। उसके बाद स्टूडेंट्स इस वैगुत द्विध्रुव का आघूर्ण तो हमने देख लिया, वैगुत क्षेत्र की तीव्रता भी देख ली, लेकिन इसका दोस्तों बल आघूर्ण भी होता है, बल आघूर्ण
भी पूछा जाता है एग्जाम में। बलागुड़ कब लगता है? जब भाई दूधू को हम क्या करें, किसी कोण पर, थीटा कोण पर वैगुच क्षेत्र में रख दें, तो जो बलागुड़ लगता है वो टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इतने फॉर्मूले बन गए। और इसकी स्थितिज ऊर्जा भी पूछी जाती है, स्थितिज ऊर्जा यू मतलब कि स्थितिज ऊर्जा, ये होता है बस क्या, माइनस का पी ई कॉस थीटा यहाँ पर हो जाता है। क्या करना है, साइन का कॉस कर देना है एंड प्लस का माइनस कर देना है, बस उल्टा समझ लो, इसका उल्टा इसमें कर दोगे। स्थितिज ऊर्जा जब आपसे पूछ ली जाए, चीजें देखिए जिसपे फॉर्मूला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैगुत दूधों से ज्यादा पूछा जाता है, सवाल भी और फॉर्मूले भी इतने हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों पांचवा और छठवा दो फॉर्मूले और आप ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, जिसपे अंकित प्रश्न आते हैं, यहां लिख देते इसको इरेज करके स्टूडेंट्स। देखिए कौन से दो और फॉर्मूले हैं जिसको हमें गौर करना है, वो है पहला, चौथा हो गया, पांचवा देख लीजिए और छठवा देख लीजिए, बस इतना याद कर लेंगे तो एग्जाम में इससे ही सवाल बनते हैं आपके। पांचवा है फ्लक्स, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है ई डी ए का समाकलन, ठीक है, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और अगर वैगुच क्षेत्र एक समान होता है तो ई आपका बाहर हो जाता है और डी ए का समाकलन ए हो जाता है, और इनके बीच में ये ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश अदिश गुणा हम करते हैं दोस्तों इनके बीच में, क्लियर। एंड इसी में फ्लक्स से संबंधित एक हमारा गॉस का प्रमेय भी था, गॉस का प्रमेय क्या कहता था कि यार जो फ्लक्स आप निकाल रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो ये गॉस का प्रमेय भी ध्यान रखिएगा जरा, ओके। और ये फ्लक्स का ये फॉर्मूला भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ठीक है। लेट्स मूव द फॉर्मूला नंबर सिक्स, इसमें क्या है ना, आपका एक तार है इस तरीके से, आवेशित तार है, प्लस का मान लो इसमें चार्ज है, क्लियर, तो चार्ज अंदर बनाते हैं इस तरीके से, प्लस का आवेशित तार है एंड इसके कारण दोस्तों आर दूरी पर वैगुच क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये पूछा जाता है कभी कभी, और तार आपका बहुत बड़ा है, अनंत लंबाई का है, तो वैगुच क्षेत्र की तीव्रता होती है स्टूडेंट्स के 2k लैम्डा बटे में ये दूरी आर, ओके, यही होती है आपकी वैगुच क्षेत्र की तीव्रता, याद रखिएगा। लैम्डा के बारे में क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, मतलब कि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, यही होती है आपकी लैम्डा, ये भी क्लियर हो चुका है आपका। एंड एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो कि पूछा नहीं जाता है लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, होना चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है आपसे इस फॉर्मूले पर, कि अगर इसी छठवे का ही हम देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा एक तरीके का फॉर्मूला जो गॉस के प्रमेय से आया था, छठवे का दूसरा क्या है कि अगर एक समतल प्लेट है, आवेशित है, ठीक है, और इसके कारण आर दूरी पर वैगुच क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, चैट टू ऑप्शन दे देगा, तो ये जो वैगुच क्षेत्र की तीव्रता होती है ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव भी करवाया था हमने और ये याद भी आपको रखना है, ओके स्टूडेंट्स। और ये समतल प्लेट होता है, आवेशित होता है, सिग्मा क्या होती है स्टूडेंट्स, इसका सिग्मा होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, ये रेखी होता है क्योंकि ये रेखा है एक तरीके से, ये पूरा का पूरा पृष्ठ है, तो इसका हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए तो ये इतने सारे फॉर्मूले अगर आपने ध्यान रख लिए ना तो न्यूमेरिकल्स आप यू सॉल्व कर लोगे, बस तरीका हमसे सीखना है इस वीडियो में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जीरो से हार्ड लेवल तक जो भी पूछे गए सारे दोस्तों पेपर को एनालाइज करके आपके सामने दिखाएंगे, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, सब पूछे गए, सारे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस मैराथन वीडियो। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है इस वीडियो का वह है ये वाला, और स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये, ठीक है। क्या है सवाल जरा देखिए तो मेरे साथ, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बस इतना छोटा सा कह रहे ना, जीरो से हीरो तक हर एक सवाल देखेंगे, अभी छोटा सवाल है आगे और भी अच्छा आएगा, अभी देखते हो, तो चलिए बने रहिए बस इस वीडियो में, मजा आ जाने वाला है। 1 कूलाम आपका आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, दैट इज आवेश है आपका 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है कितनी है, ओके कैसे सॉल्व होगा। वैसे मैं बताऊं तो ये सवाल ही गलत है,
क्या गलती है सर? देखो आप ही बताइए, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस का आवेश होता है ना, तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, सिरात्मक चार्ज है। लेकिन यहाँ पर तो सिरात्मक लगाया नहीं है, यहाँ पर तो माइनस लगाया नहीं है, नहीं लगाया है, बस यही गलती है। ये क्यों हम बता पा रहे? क्योंकि वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि। लेकिन कोई नहीं, हमें तो बस आंसर चाहिए, एग्जामिनर को वही निकाल कर दे देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। क्या लगेगा फॉर्मूला जिस पर ये सवाल को आंसर आएगा? दोस्तों फॉर्मूला लगेगा पहला वाला, Q बराबर Ne। ओके, ये N हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? ये होता है सर जी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये रख दीजिए यहाँ पर, तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा आपका q बटे में e। ठीक है, q है आपका 1 कूलम, e है आपका दोस्तों 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में 1.6 उतरेगा पहले तो, एंड 10 के पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा, तो माइनस 19 से ये प्लस का 19 हो जाएगा। बस और क्या करना है दोस्तों जिंदगी में, बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा आपका। दशमलव देखो हटाया हमने, एक अंक बाद दशमलव था तो एक हमने जीरो लगा दिया, काटा पिटी कर दीजिए, अब तेरा आंसर आ जाएगा आपका एक झटके में। दो से ये गया 5 बार में, 2 से गया ये 8 बार में, 5 को 8 से भाग करना है, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, 2, 3 से 5 को 8 से भाग करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार में जाएगा 48, फिर 2 के आगे 0 आएगा तो 20, तो 8 × 2 = 16 बार में जाएगा, फिर 4 बचेगा उसके आगे 0 लगेगा तो 8 × 5 = 40। यानी कि स्टूडेंट्स आपका क्या बन गया, ये आंसर बन गया आपका 0.625 इंटू 10 के पावर 19। ओके, ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसको और सुंदरता के साथ अगर आप लिखना चाहेंगे ना, तो यही है संख्या आपकी बराबर हो जाएगी, एक दशमलव आगे बढ़ाते हैं ना, तो एक दशमलव को पहले सर जी यहाँ पर है दशमलव, तो दशमलव को एक अंक आगे बढ़ाएंगे, एक अंक आगे बढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट्स जो घात है ना 10 की घात, ये 19 उसमें से एक घट जाएगा। ओके, ये होता है तरीका, एक अंक आगे बढ़ाया तो 19 में से एक घट जाएगा तो 18 हो, तो ये हो गया आंसर। ठीक, कितना इजी सवाल था। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो स्टूडेंट्स पेज से आपके सामने अगला सवाल, ओके, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, छोटा सवाल है, एंड इसके बाद आपके सामने पेश करेंगे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। देखिए हर एक सवाल से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, ये नहीं कि बस आए सॉल्व किए चले गए, कुछ ना कुछ हमें सीख कर जाना है आज इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन से। जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 माइक्रो व 3 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल हमें निकालना है। ठीक है, और दिया है बीच की दूरी क्या है उनकी, 30 सेंटीमीटर है। डैट मीन्स एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। ठीक है, एक आपका दोस्तों 2 माइक्रो कूलाम है, दूसरा आवेश आपका 3 माइक्रो कूलाम का है, एंड इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, इन दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, बल निकालना है, इजिली निकाल लेंगे। देखिए बल क्या होता है आपका, होता है फोर्स दो आवेशों के बीच में, वो होता है Q1 Q2 बटे में उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। पहला आवेश क्या है दोस्तों, 2 माइक्रो कूलाम का है, पहला आवेश है 2 माइक्रो कूलाम का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आवेश को कूलाम में, क्योंकि आवेश माइक्रो कूलाम ऐसा ही मात्रक नहीं है, आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम, तो यहाँ पर इसको कूलाम में हमें बदलना पड़ेगा। यहाँ से हम चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे माइक्रो कूलाम से म्यू कूलाम मतलब माइक्रो कूलाम से कूलाम में कैसे बदलते हैं चीज़ों को, 10 के पावर -6 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा आवेश आपका क्या है स्टूडेंट्स, 3 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदलेंगे SI यूनिट में, तो 3 के साथ गुणा कर देंगे 10 की पावर -6 से, तो ये कूलाम में बदल गया। अब रह गई दूरी हमारी, तो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, वो हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वही बात आई, इसको SI यूनिट में हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए मीटर में होना चाहिए ना दूरी, SI यूनिट मीटर होता है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हम सभी, तो क्या करना पड़ेगा बताइए भाई, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से भाग कर दो, तो ये आप मीटर में आपका आ जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पर, 0 से 0 कट गया आपका, 3/10 यानी 3 × 10 के पावर -1 यही बनेगा ना,
तीन के बटे में दस है, यानी तीन गुणे दस के पावर माइनस का एक, ये आपकी मीटर में आवेशों के बीच की दूरी। क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है ये फोर्स, ये बल उनके बीच में कितना लग रहा है। आप बहुत इजी तरीके से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगा ये भी आप देखिएगा। इसको इरेज करते हैं। अब फोर्स आपका हो जाएगा तब फोर्स के क्यू वन क्यू टू आर, सबका मान रख दीजिए। के है, के का मान होता है 9 × 10⁻⁹। पहला आवेश कितना है दोस्तों, 2 × 10⁻⁶ आपका 6 है। क्लियर। तो यहाँ रखेंगे 2 × 10⁻⁶। दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁶, ठीक है। तो दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁶ बटे में इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि है हमारी 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ इसका स्क्वायर होता है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बल आपका हो जाएगा 9 × 18, 18 × 3 = 54 हो गया ऊपर, एंड 10 की घातों को जोड़ दीजिए भाई। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर से देखिए, 9 में से 6 गया 3 आया, 3 में से दोबारा 6 घटेगा तो माइनस का 3 बनेगा। बटे में क्या है दोस्तों, 3 × 10⁻⁶ का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 10 की घाती माइनस 1 का स्क्वायर, 10 की घाती माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पर इतना आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, हम ना 9 × 6 = 54, हाँ 10⁻², दोस्तों ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो 10⁻³ + 2 क्या हो गया, ये तो भाई माइनस वन में आ जाएगा ना, 3 में प्लस जोड़ो 2 तो माइनस वन हो गया ना। देखिए आपका आंसर भी आ गया, इतना न्यूटन का बल लगेगा उन आवेशों के बीच में। क्लियर। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं 2024 में क्या सवाल पूछा गया था, वो भी कुछ हार्ड नहीं था, इजी ही था। लेट्स सी, ये रहा 2024 का छोटा सा प्यारा सा सवाल। ये है, पूछ रहा है कि दो आवेश के मध्य वायु में 80 न्यूटन का वैद्युत बल लगता है। अच्छा, वायु में लगने वाला बल क्या है, 80 न्यूटन है दो आवेशों के मध्य में। क्लियर। अच्छा ठीक है, आगे बट परावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल 60 न्यूटन हो जाता है। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, पहला देखिए केस क्या है, जैसे ही कुछ आपके दिमाग में सनके ना, तुरंत आप तुरंत चीज़ें को लिखिए। पहले दो आवेश थे, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ओके, इनके बीच में लगने वाला बल आपका कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स है आपका 80 न्यूटन का। क्लियर। और दूसरा चीज, जैसे ही हमने दूसरा लाइन पढ़ा तो हमें दिखा कि परावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल 8 न्यूटन है, मतलब कि आवेश तो वही है, आवेश वही है, ये भी Q1 है, ये Q2 आपका सब कुछ सेम है, लेकिन अब की बारी दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एयर है, वायु है, यहाँ पर दोस्तों कोई माध्यम है, कोई माध्यम है स्टूडेंट्स, वायु नहीं है, कोई माध्यम है, चाहे वो जल हो, ओके, चाहे वो निर्वात हो, कोई भी एक माध्यम है, और उस माध्यम में जो लगने वाला बल है ना, वो अब 8 न्यूटन है। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 8 न्यूटन है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला दोस्तों, बल हमारा दोस्तों घट गया है, बल हमारा दोस्तों घट गया है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है सवाल में, ये देखते हैं, हमसे पूछा है ज्ञात करें माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है दोस्तों, के से दिखाते, इसे के हमारा बताता है कि कितना गुना बल घटा है, कितना कि हमारा क्या बताता है कि कितना गुना बल घटा है, ठीक है, कितना गुना बल घटा है, यही आपका के होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स की बल जितना गुना घटता है ना दोस्तों, उसी को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसलिए एग्जामिनर कहता है कि परावैद्युत माध्यम में जब आप जाओगे, किसी माध्यम में अगर आप बल निकालोगे दोस्तों, बल किसी माध्यम में जो अगर आप वैद्युत बल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स घट जाता है स्टूडेंट्स। ये यही के का वैल्यू हमें निकालना है कि भाई कितना टाइम्स घट गया, कितना गुना आपका घटा है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। तो बल आपका था 80 न्यूटन, ओके, तो यहाँ पर आप लिखिए 80, कितना गुना घटा यही हमें निकालना है। फिर आपका वैद्युत बल क्या हो गया दोस्तों, माध्यम में 8 हो गया है। तो यहाँ से आप देख लेंगे साफ साफ के का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 10, यही है दोस्तों क्या है, वैल्यू है माध्यम के परावैद्युतांक का, मतलब कि 10 गुना दोस्तों बल आपका घट गया है, देख रहे हो ना, 10 गुना आपका बल घट के 8 हो गया है, ठीक है।
यही हो गया आपका इस सवाल का उत्तर। समझ में आया ना कि परावैद्युतांक क्या होता है किसी माध्यम का? ये बताता है कि कितना गुणा बल आपका डिक्रीज हो गया है। जैसे ये 80 से 8 न्यूटन हो गया उस माध्यम में, तो कितना गुना घटा? 10 गुना, यही परावैद्युतांक है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि माध्यम में वैद्युत बल बराबर होता है दोस्तों जो वायु में है वह बल एयर में 80 न्यूटन बटे में के। ठीक है, तो 8 न्यूटन बराबर करो 80 बटे के, तो के का वैल्यू आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझा हमने, सवाल को भी उड़ा दिया। अब सवाल कितना हो घुमा के एग्जाम में बाद में पूछे आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आखिर क्या है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया तीसरा सवाल। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब धीरे धीरे लेवल अप होगा, धीरे धीरे आप पेन कॉपी ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं उठाया है तो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो हाजिर है एक और इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहली बार जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ना उनके माइंड में एक ही प्रश्न आएगा कि कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, लेकिन है बहुत आसान, एकदम आसान सवाल है कि उस वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता निकालनी है। पूछा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान व 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेशित तेल की बूंद को संतुलित कर सके। कुछ समझ में आया आपको? चलिए अब पूरा सवाल ही क्लियर करते हैं, अब इसको धुआं धुआं कर देते हैं अब सिंपली। कुल मिला जुला के आपसे पूछा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आपसे कह क्या रहा है कि भाई साहब 0.001 मिलीग्राम यानी कि किसी भी कोई आपका क्या है दोस्तों, एक तेल की बूंद है, एक तेल की बूंद है ना यहाँ पर, तो एक छोटा सा तेल की बूंद हम यहाँ पर दोस्तों ये बना लेते हैं, ये तेल की आपकी बूंद हो गई, दैट इज दिस इज बूंद। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एंड इसका आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, यही 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान दिया है, मतलब कि यहाँ पर आपको इसका जो मास है वो दिया है, तो इसको मास लिख देते हैं। मास जो बूंद की कितनी है स्टूडेंट्स, 0.001 मिलीग्राम आपको दिया गया है, लेकिन ये मिलीग्राम में हमें दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है मास वो आपका केजी में होना चाहिए, ऐसा ही मात्र क्या होता है, केजी होता है द्रव्यमान का, तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बदलते हैं यहाँ पर। एंड ये 0.001 ये क्या कंफ्यूज कर रहा है, इस दशमलव को हटाते हैं, 1, 2, 3 अंक बाद है ना, तो दशमलव को हटाएंगे दोस्तों, तो ये आपका 1×10⁻³, इस चीज़ को हमने लिखा है दशमलव को हटा के एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत, 3 अंक बाद है पीछे है तो 10⁻³ से गुणा करेंगे। अगर यही दोस्तों जीरो आपके आगे होते हैं तो ये 10³ होता, लेकिन अब ये केस ऐसा है कि ये पीछे की ओर दशमलव है, कितने अंक बाद, 1, 2, 3 अंक बाद, तो ये माइनस का होगा, ये चीजें हैं कैलकुलेशन वाली। ठीक है, चलिए एंड उसके बाद ये तो हमारा मिलीग्राम में था, इसको हमें किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में कैसे बदलेंगे स्टूडेंट्स, मिलीग्राम को अगर आप ग्राम में बदलना चाहते हैं तो 10⁻³ से गुणा करिए, हमने सिखाया था, लेकिन आप मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो 10⁻⁶ से गुणा करिए, ये है आपका चीज़ें। ठीक है, तो मिलीग्राम से किलोग्राम में हम बदलेंगे कैसे, 10⁻⁶ से गुणा करेंगे, तो 10⁻³ आपका यहाँ पर है, गुणा कर देंगे 10⁻⁶ से, तो ये आपका किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, बस आपको घुमाता का है ना, इस ऐसा ही मात्रक में ही कंफ्यूज करता है, तो आप एक एक दो बार खुद से करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, वैसे पहले भी आप ये चीज़ें कर चुके हैं, मुझे पता है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, ये सभी आप कर चुके हैं पहले भी। एंड आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, अब देखिए द्रव्यमान हो गया, अब हमें दिया है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, कितना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश शीत तेल की बूंद है, इस बूंद पर दोस्तों आवेश भी है, इसका मास तो है ही है लेकिन साथ ही साथ इस पर आवेश भी है, तो आवेश कितना होगा जरा वो भी देख लेते हैं, तेल की बूंद पर जो आवेश है, आवेश वो कितना है आपको दिया है सवाल में,
सर जी तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, मतलब कि तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ऐसे घुमा रहा है सवाल आपको, सवाल में कुछ और है ही नहीं, तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश है इसका मतलब ये है, मतलब कि 3×1.6×10⁻¹⁹ कूलम आवेश है इस तेल की बूंद पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश दोस्तों इतना होता है, तो तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब तीन गुणे इतना आपका आवेश आ गया। द्रव्यमान हमने निकाल लिया एसआई यूनिट में, तो अब देखते हैं कहानी क्या है। कहानी आपको ये दिया हुआ है कि ये तेल की जो बूंद है वो क्या है दोस्तों, संतुलित है, संतुलित है, संतुलित है, मतलब कि अगर कोई चीज है दोस्तों इस तरह आप छोड़ दो, हवा में ले गए ऐसे छोड़ दिए, तो ये नीचे गिर जाता है ना, लेकिन ये तेल की बूंद भाई संतुलित है, ना इधर जा रही है ना नीचे आ रही है, मतलब कि बीच हवा में लटक गई है, मतलब कि ठीक है। कैसे लटकेगी दोस्तों, जब इस पे पूरा का पूरा जो नेट बल है, जब पूरा का पूरा जो बल है, बल नेट बल वो जीरो हो जाए, तब ये बूंद आपकी दोस्तों बीच हवा में लटक जाएगी। अब इस पे कौन कौन से बल लगेंगे ये जरा देखिए, तो अगर एक वस्तु को हम ऐसे छोड़ यहाँ पर अगर लटकाए हुए हैं, तो इस पे नीचे की ओर दोस्तों इसका भार इसको खींचता है, एक इसका भार, भार मतलब कि mg, नीचे की ओर दोस्तों बूंद को खींच रहा होगा दोस्तों इसका द्रव्यमान mg, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही है, ये तो रुकी हुई है ना, मतलब कि इस बूंद के दोस्तों ऊपर की ओर दोस्तों एक बल लग रहा है, कौन सा बल, QE, क्योंकि इस बूंद पर आवेश है, और जिस पर भी आवेश होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है QE, ठीक है। तो ये दोनों विपरीत होंगी, तो ये बूंद आपकी बीच हवा में रुक जाएगी, संतुलित हो जाएगी। बस हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही निकालनी है, जो कि हम अब निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, बल पूरा का पूरा बल आपका जीरो है, वस्तु क्या है, तेल की बूंद संतुलित है, मतलब कि ये वाला बल बराबर है, ठीक है, क्यों ही आपका बराबर है mg के। अगर इधर से भी कोई मुझे खींचे 10 न्यूटन से, नीचे से भी कोई खींचे 10 न्यूटन से, तो मैं ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे जाऊंगा, ये बूंद भी उसी तरह लटकी, क्योंकि ऊपर नीचे वाला बल आपका बराबर है, ठीक है। तो चीज़ें तो अब आसान हो ही चुकी है, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, QE को बराबर करना है इस mg से, बस फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी, mg बटे में Q के बराबर हो जाएगी। कर लेंगे आप सभी, वैल्यू सब आपको दे रखी है, यहाँ पर आवेश पता है, द्रव्यमान देखो पता है, ठीक है, एंड g का मान आप दे ले लीजिएगा, g आपका क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो आप सभी कर लेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी करने हैं, सबको फोड़ना है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप सभी। आइए आपको कर भी देते हैं, कैलकुलेशन भी आपके लिए सब कुछ करने को हाजिर है, बस आप देखते हैं कितना फ़ायदा उठाते हैं इन सभी चीज़ों का, ठीक है। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा मास, द्रव्यमान कितना था दोस्तों, वो द्रव्यमान तो हमने इरेज कर दिया, लेकिन आपने नोट किया है ना, बस जो द्रव्यमान था हमारा दोस्तों गोली का, वह था 10⁻⁹, एंड G का वैल्यू है 10, एंड Q हमने निकाला था आवेश क्या था, तीन इलेक्ट्रॉनिक था, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश था, 3×1.6×10⁻⁹, बस यही चीज़ें सॉल्व करनी है, क्या रह गया हमारी ज़िंदगी में, 10⁻⁹, इसके घाते 1 है तो इसमें आके जुड़ जाएगा, एंड यहाँ पर 10⁻⁹ है तो ये ऊपर आएगा तो +19 हो जाएगा, तो ये +19 कर दिया, ठीक है। एंड बटे में क्या है, 3×1.6 क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, क्लियर। आइए और सॉल्व करते हैं, वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा आपका, हाँ 10⁻⁴ ऊपर देखो सॉल्व करोगे 11 बन जाएगा ये पूरी चीज़ें, बटे में 4.8, ओके। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 10⁻११ गुणे में है आपका 1/4.8 है, इसको अलग से करते पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो लगेगा, ऊपर आपका जीरो लगेगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे ये 5 बार में, 2 से काटेंगे ये 24 बार में, अब 5 को 24 से भाग करना है, 5 को 24 से भाग करना है, तो साइड में करते हैं 5/24 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगेगा, यहाँ पर तो 24×2 = 48, लगभग 48, ठीक है। फिर 2, फिर दशमलव, फिर जीरो, लगभग 0.2 आपका बनेगा, लगभग लगभग, ठीक है। तो 0.2×10⁻११ दोस्तों, यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, डेट इज़ योर आंसर। मैच कर लिया आप सभी ने, अब आइए थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस देखते हैं और थोड़ा लेवल अप। तो फिर से स्वागत है 2024 के एक और नए सवाल में, ठीक है। जो सवाल हम आपको करा रहे हैं ना, ना सिर्फ ये 2024
2023 में पूछे गए, बल्कि पिछले साल से सालों साल से इसी तरह के सवाल आ रहे हैं, आप खुद जानिए। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक वैगुत द्विध्रुव में +20 कूलाम तथा -20 कूलाम, ठीक है, कि दो आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब कि एक वैगुत द्विध्रुव है दोस्तों, जिसमें दो आवेश है, एक ये है प्लस वाला एंड एक है माइनस वाला, ठीक है, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, +20 कूलाम माइनस का 20 कूलाम, और ये दोनों आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दैट मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी वह कितना है, 1 मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। चलिए एंड हमसे पूछा क्या है, ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, पहला सवाल है कि वैगुत द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है, मतलब कि वही पी जो होता है दूधों का गुण पी होता है, जो कि बराबर होता है दोस्तों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ही हमने आपको बताया था वीडियो में कि ये आवेश गुणे में दोस्तों इनकी बीच की जो दूरी होती है 2L उसी के बराबर होता है, इनकी बीच की जो पूरी दूरी है वही 2L होती है। आवेश तो दोस्तों कितना है, 20 कूलाम है, तो यहाँ पर आवेश को रख देते हैं हम 20, ठीक है, गुणे में, एंड दोस्तों इनकी बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 2L का मान कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10^-2 से गुणा कर देंगे 1 में, यही आपका रहेगा दोस्तों मीटर में, जो कि यहाँ पर रखना है, ऐसा ही मात्रक में चीज़ें हमारी आ जाएंगी, तो 10^-2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो क्या आ जाएगा आपका पी का मान, ये हो जाएगा दोस्तों 0.2, ठीक है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर वैगुत द्विध्रुव का आघूर्ण, डेट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर। सेकेंड सवाल क्या पूछा इसमें कि मध्य से 1 मीटर अक्षीय स्थिति पर ई मतलब कि वैगुत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपली लगेगा यहां पर भी, वैगुत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, अक्षीय स्थिति पर वैगुत द्विध्रुव के कारण, फॉर्मूला याद करिए, अक्षीय स्थिति पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये होता है आपका 2kp/r³। दैट मीन्स यही फॉर्मूला लगेगा, वैगुत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जरा सब कुछ रख के आंसर निकालते, इसको भी स्वाहा करते हैं, 2 का 2 रहेगा, कि आपका होता है दोस्तों 9×10^9, पी क्या होता है, वैगुत द्विध्रुव का आघूर्ण ही होता है, जो कि यहाँ पर 0.2 हमने निकाला ही है ना, तो यहाँ पर रखते हैं जरा, तो 0.2 रख देते हैं, एंड आर का क्यूब, आर मतलब कि कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर मध्य से, ठीक है, तो ये 1 का क्यूब कर दीजिए, एकदम आसान है सवाल है, आप खुद ही कर लेंगे मेरे हिसाब से। क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, क्या उत्तर आ जाएगा आप सभी का, वैगुत क्षेत्र बराबर 9×9^18 और 18 का गुणा करो 0.2 में, जो 18×36 और 1 दशमलव लग जाएगा 3.6 हो जाएगा, एंड 10^9 है, ओके, और वैगुत क्षेत्र की तीव्रता है मतलब कि मात्रक न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है, दो कुछ भी लिख सकते हैं आप सभी, तो दोनों सवाल धुआं धुआं हो गए ना। इसी तरीके के इजी सवाल आते हैं, अब जो हार्ड सवाल होंगे वो भी आगे देखेंगे, तो आप चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आप स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये 2023 का आंकी प्रश्न, ठीक है, क्या पूछा गया आंकी प्रश्न को बड़ा पढ़ते हैं कि 2×10^-8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाला वैगुत द्विध्रुव एक समान वैगुत क्षेत्र जिसकी तीव्रता आपको दी हुई है 2×10^5 वोल्ट पर मीटर में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। अच्छा, ये बात है, हमें ज्ञात क्या करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है और उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है, ठीक है, तो जरा फिगर इगर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जरा फिगर देखते हैं हम इस मामले का, ये देखते हैं फिगर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एक वैगुत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका आघूर्ण आपको दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, कूलाम मीटर, ये क्या होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, डेट मीन्स सबसे पहले जो वैल्यू दी है ये क्या है आपका, चल जा भाई, ये पी आपका वैगुत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जो कि है 2×10^-8 कूलाम मीटर,
ठीक है। एंड ये ध्रुव क्या है दोस्तों, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसकी तीव्रता है 2×10^5। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 2×10^5। और वैद्युत जो ध्रुव है ना वो 30 डिग्री के कोण पर रखा है, मतलब इस तरह सीधा नहीं रखा है, वह कोण पर रखा गया है, कोण बनाकर रखा गया है ध्रुव को। दैट मीन्स आप फिगर कैसा बनाओगे, तिरछा, 30 डिग्री कोण बनाया हुआ। तो ये फिगर हमारा इस प्रकार रहेगा, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जो कि दोस्तों क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कितनी कोण पर रखा गया है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, कोण इज 30 डिग्री। ये रहा आपका फिगर, एक आपका प्लस होता है एक माइनस होता है, ये आप दिखा दीजिए, क्लियर। तो हमें अब बस फिगर भी हो गया, आप बल आघूर्ण निकाल लेंगे दोस्तों, फॉर्मूला हमने बता रखा है स्टार्टिंग में ही। बल आघूर्ण आपका क्या होता है, उस चीज को दिखाते हैं इस तरह, ताउ से बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है। चलिए वैल्यूज जरा पुट करिए, पी का मान है 2×10^-8, E का मान है 2×10^5, और थीटा आपका 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट। तो सॉल्व कर लेते हैं, आपका हो जाएगा देखिए 2×2=4 एंड 10^-8 यहाँ पर भी 10^+5 है तो इसी में जोड़ दीजिए, खत्म। एंड साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है भाई, खत्म मस आपका, ये भी खत्म। 2 × 4 जाएगा यहाँ पर 2 बार में, तो ये पूरा मामला आपका क्या बन जाएगा, 2×2×10^-8 और ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, 10^-3, ठीक है। मात्रक वगैरह लगा दीजिए, इस टॉर्क का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका मामला, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल, स्थितिज ऊर्जा, इसमें भी क्या लगेगा, साफ साफ फॉर्मूला ही लगेगा, बस स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों, यू से दिखाते हैं, ये बराबर हो जाता है माइनस का पी ई कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा होता है, इसमें बस क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। और माइनस में होता है स्थितिज ऊर्जा, माइनस में होती है इसकी, तो यू बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का पी का मान है 2×10^-8, वैद्युत क्षेत्र है 2×10^5 एंड थीटा है आपकी कितनी 30 डिग्री ना, तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कोण आपका 30 डिग्री है, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, माइनस का 2×2=4 हो जाएगा, 10^-8 और 10^-5 -3 बन जाएगा, और कॉस 30 डिग्री यहाँ पर √3/2 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, तो मिलेगा हमें देखिए 2 से ये जाएगा आपका 2 बार में, 2 और √3 है बचा है आपका, तो -2/√3 एंड 10^ ये -3 है, और ऊर्जा हमेशा क्या होती है जूल में होती है, तो जूल लगा दीजिए यहाँ पर, क्लियर कट, ये भी उड़ गया आपका सवाल, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में तो वीडियो को शेयर भी अपने मित्र यारों को जरूर करेगा, हर एक के पास वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ों को समझाते हुए आपको क्योंकि हम ना सिर्फ आपको बस बता रहे हैं बल्कि चीज़ों को एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको फील हो जाए इस तरीके से बता रहे हैं, तो वीडियो को शेयर तो बनता है। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कितना ही वैरी मैं लगा दूँ लेकिन कम ही है। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर साल इस पे दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसता है, स्कूलों में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछा गया है कई सालों में, ठीक है। क्या है सवाल, इसको हमें समझना है जरूर, ठीक है, ये नहीं कि इस सवाल को प्रैक्टिस कर लिया, इस तरीके सवाल कई पूछे जा सकते हैं, तरीका बदलेगा लेकिन सवाल उसी तरह हल होगा जो हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को, कैसे एग्जामिनर पूछता है इस सवाल में, क्या हिंट रहता है कि कैसे क्या करना है, सब देखिए आप यहाँ पर, सीट बेल्ट आप बांध लीजिए, मस्त सवाल आ चुका है इस वीडियो का, लेट्स सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि आपको देगा दो आवेश है +4Q तथा प्लस का क्यू, कोई भी दो आवेश होगा, कुछ भी आवेश हो, अलग अलग होंगे दो आवेश, कुछ भी हो सकते हैं, हमें यहाँ पर प्लस क्यू दिया है 4Q एंड प्लस का क्यू दिया है, कहा है ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अच्छा
एंड वह बिंदु ज्ञात करना है हमें स्टूडेंट्स, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह शून्य हो, ठीक है। या फिर इसी सवाल को आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्यू नॉट को हम कहां पर रखें कि वह संतुलित हो जाए। तो यहां पर संतुलित का केस होगा तो आप क्या करोगे, पूरा वैद्युत बल एफ नेट को जीरो करोगे, या अगर आपको वैद्युत क्षेत्र पूछेगा कहां जीरो है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जीरो करोगे। समझिए कैसे सिस्टम होगा, पहले तो जो कहा है वो करिए। प्लस क्यू प्लस का 4q है एक आवेश, एंड एक आवेश है दोस्तों प्लस का क्यू। अच्छा ये दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर ओके। हमसे पूछा है कि बताइए हम कहां पर एक बिंदु ऐसा बताइए हमें कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी जीरो हो। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा बिंदु बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ, चाहे कोई भी पॉइंट आप बताओ, चाहे बाहर बताओ चाहे अंदर बताओ, चाहे बाहर बताओ चाहे अंदर बताओ, बस एक ऐसा बिंदु बता दो दोस्तों ना जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि बिंदु तो बहुत होंगे यार, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, लेकिन बिंदु होगा कहाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो देखिए आपको बताते हैं, अगर दो आवेश क्या है प्लस प्लस है, ये वाला भी पॉजिटिव है प्लस का 4q है, ये वाला भी पॉजिटिव है प्लस का 4q है, प्लस का क्यू है, अगर दोनों प्लस चार्ज है ना तो जो बिंदु होगा ना वो आपका अंदर होगा, अंदर में ही कोई आपका बिंदु होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 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 आपका दोनों आवेश धनात्मक नहीं है, एक आवेश प्लस है दूसरा आगे आवेश नेगेटिव है, तो जो बिंदु होगा ना स्टूडेंट्स, इस केस में जो बिंदु होगा वो आपका होगा भाई बाहर, बाहर में होगा। अब बाहर में भी दोस्तों दो केस बनेंगे, एक इधर में होगा कि यहां पर होगा, यहां पर होगा कि यहां पर होगा, अगर अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बाहर में इधर होगा कि इधर होगा। तो भाई साहब टेंशन नहीं लेना है, बाहर में हमेशा छोटे आवेश के पास होगा, छोटे छोटे आवेश के पास। जैसे अगर ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव होता पेरिस्टेंस, तो जो आपका बिंदु आप लोगे वो बाहर लोगे कहां पर, छोटे आवेश जो छोटा है इन दोनों में से कौन है, यहां पर ना, तो बाहर में ये वाला बिंदु लोगे आप। क्लियर, तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट सीखा ना, समझ में आया आपको ना, तो इसको आप नोट कर लिए कि अगर दो पॉजिटिव होंगे तो अंदर में बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, जहां पर आप क्यू नॉट आवेश को रखोगे लाकर, क्यू नॉट को लेकर आके रखोगे तो वो संतुलित होगा, अंदर में ही बिंदु होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो हमेशा बिंदु आप कहां पर लोगे, बाहर में लोगे, बाहर की ओर तरफ लोगे, अंदर में नहीं, बाहर लोगे बिंदु स्टूडेंट्स, बाहर में किधर लेंगे, छोटे आवेश के पास, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसके पास बिंदु आप लोगे, ठीक है। वैसे प्लस माइनस वाला भी आपको सवाल अभी हम कराएंगे, टेंशन नको, ठीक है। तो चलिए ये हमने सीख लिया कि बिंदु आखिर होगा कहाँ, दोनों पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र किधर दूरी होगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र किधर जीरो होगा, अंदर में होगा। तो अंदर में हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहीं पर हमने एक बिंदु ले लिया ओ, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए माना अंदर बिंदु ओ पर स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र कितना है, ओ पर शून्य है, शून्य है। क्लियर, ठीक है सर, शून्य है वैद्युत क्षेत्र यहां पर। और जो कि मान लेते हैं कि जो कि ये बिंदु कहां पर है, मान लेते हैं प्लस क्यू से दोस्तों एक्स दूरी पर है, प्लस क्यू से एक्स दूरी पर है, तो माइनस क्यू से कितनी दूरी पर होगा दोस्तों, 20 माइनस एक्स दूरी पर, पूरा 20 था ना, ये पूरा दो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, अगर इसको हमने एक्स मान लिया तो ये कितना होगा, 20 माइनस एक्स होगा, एक्स को घटा दोगे 20 में से। क्लियर, तो आगे चीज़ें लिखेंगे, यह बिंदु लिखते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ से यह बिंदु स्टूडेंट्स प्लस 4q से एक्स दूरी पर है, तथा प्लस, ये प्लस का था ना हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्लस क्यू से 20 माइनस एक्स
दूरी पर है। ठीक है, चलिए अब आगे कार्यक्रम करते हैं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, जरा करते हैं फटाफट और सवाल को अब उड़ा देते हैं। अच्छा सवाल है ये, ध्यान देखिएगा एक बार, दोबारा इस सवाल को सॉल्व करिएगा मेरे साथ, ठीक है, रिवाइज कर रिवाइट कर कर। हाँ तो मान लिया दूरी ये x है, ये 20 माइनस एक्स है, और इस बिंदु पर दोस्तों वैगु क्षेत्र जीरो है, ठीक है, और इस बिंदु पर वैगु क्षेत्र जीरो है, इसका मतलब ये है कि प्लस क्यू के कारण जो वैगुद क्षेत्र होगा इवन, ये बराबर है प्लस का 4q के कारण वैगुद क्षेत्र के, E2 बोल देते हैं, ओके, क्योंकि देखो ये भी वैगुद क्षेत्र यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर भी इसके कारण भी वैगुद क्षेत्र होगा और इसके कारण भी वैगुद क्षेत्र होगा। ये वाला वैगुद क्षेत्र किधर होगा? इधर होगा। इसके कारण वैगुद क्षेत्र किधर होगा? इधर की ओर होगा। अगर दोनों को दोस्तों बराबर कर दें तो ये तो जीरो बन जाएगा, तभी ना जीरो बनेगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ना ये जीरो होगा भाई, समझो। प्लस क्योंकि कारण वैगुद क्षेत्र ओ पर स्टूडेंट्स इधर होगा, यहाँ पर प्लस क्यू के कारण वैगु क्षेत्र इधर होगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों तो वैगु क्षेत्र टोटल ओ पर तभी जीरो हो पाएगा, तभी शून्य होगा, ओके। तो दोनों को हम बराबर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लिया आप सभी ने, तो कैलकुलेशन आप करते हैं, यहाँ पर E1 और E2 को बराबर करते हैं, क्लियर। तो दोनों को बस हमें बराबर करना है, E1 E2। E1 क्या है आपका? प्लस क्यू के कारण दोस्तों वैगुद क्षेत्र है, प्लस क्यू के कारण वैगुद क्षेत्र है ओ पर E1 आपका, ओके। तो यहाँ पर आपका माइंड में वैगुद क्षेत्र का फॉर्मूला चलना चाहिए, वैगुद क्षेत्र का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे में आर का स्क्वायर। तो E1 हो चाहे E2 हो चाहे दुनिया का कोई भी वैगुद क्षेत्र हो दोस्तों, आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण यही होता है। तो E1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? के आवेश कौन सा है? प्लस का क्यू है, तो यहाँ क्यू लिखिए, बटे में दूरी का स्क्वायर करिए। अब प्लस क्यू से दोस्तों दूरी कितनी है? इतनी दूरी है ना, इतनी दूरी 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखिए 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, खत्म। बराबर में अब E2 निकालेंगे मजे में। E2 क्या है सर जी? यही के क्यू बटे में आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो के लिखिए यहाँ पर, क्यू आवेश कौन सा है दोस्तों? 4q है यहाँ पर, तो 4q लिखिए, बटे में दूरी का स्क्वायर करेंगे। सर जी क्या बात कर रहे हैं, प्लस क्यू से इतना दूरी है, 4q से बात करेंगे तो ये एक्स की दूरी है, एक्स दूरी है ये, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर करिए ना फटाफट, बिल्कुल सही। आइए इसको उड़ा देते हैं, अब सवाल उठ चुका है यहाँ पर आपके सामने, विकेट गिर चुका है सवाल का दोस्तों, के से के खत्म, प्लेयर भी खत्म, बचा क्या दोस्तों यहाँ पर? चार बचा, और बटे में एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर को इसके दोस्त के पास लेकर आते हैं, इसके ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इधर जब आएगा तो, ठीक है, तो ये ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, बटे में इसका भाई 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, बराबर में बचा केवल दोस्तों चार, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या होगा आगे आप ध्यान दोगे, जरा मैथमेटिक्स की स्टूडेंट होगे तो आप खुद नजर आएगा कि सर ये स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मुंडी पकड़कर यहाँ पर रूट लगा देते हैं। मैथ के स्टूडेंट्स फील करेंगे भावना को यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। एंड चार में से अगर चार अगर अंडर रूट में है तो बाहर क्या निकलता है? दो निकलता है, तो इसको गायब करके यहाँ पर दो लिखते हैं, और इसको ही तो बस सॉल्व करना है, और कुछ करना है जिंदगी में नहीं, बस यही सब रह चुका है दोस्तों जिंदगी में हल करना। अब इसको हल करते हैं फटाफट, सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 2x इधर आएगा, 3x हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा 40/3, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे महारथी स्टूडेंट्स आप सभी, आपका आएगा 40/3 सेंटीमीटर, मतलब कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था, वह बिंदु बताओ कि जहां पर वैगु क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और वह बिंदु कहां पर होगा? अंदर होगा, प्लस 4q से 40/3 सेंटीमीटर दूरी पर होगा वह बिंदु, ठीक है। चलिए तो सवाल भी उड़ चुका है, अब बचा है दोस्तों अगर आवेश एक प्लस एक माइनस है तब क्या होगा, तब हम देखते हैं कैसे सवाल को हल करना है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेम ही है जिस तरह अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 7, उसी की तरह है, बस यहाँ पर चेंज क्या है कि एक प्लस है आवेश और दूसरा जो आवेश है
सीढ़ात्मक है, तब कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कह रहे ना इस तरह के सवाल एग्जाम में आता है, हर साल आता है एग्जाम में, आपके भी आएगा, तो आप सीख लीजिए अभी ही। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं, एक प्लस का 9e है, माइनस का ई है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। ठीक है, यह सवाल को घुमा के क्या पूछ लेगा कि आप बताइए क्यू नॉट को हम कहां पर रखें कि वह जो आवेश से संतुलित हो जाए, मतलब कि उस पे लगने वाला टोटल बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी वह ना घाट का रह जाएगा ना खर का रह जाएगा, क्लियर, रुका रह जाएगा इस तरीके से, एकदम स्थिर संतुलित। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं। एक आपका प्लस का 9e है, तो एक आवेश हम यहां पर बनाते हैं और एक आवेश यहां पर, एक है आपका प्लस का 9e एंड एक है आपका माइनस का e, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है आप सब बताइए, 16 सेंटीमीटर है ना, तो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर। एंड हमें बस क्या करना है, वह बिंदु निकालना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, तो वो तो निकालना हमने सीख ही लिया है। आइए हम ये वाला पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट क्यू नॉट वाला करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों एक क्यू नॉट आवेश है, पूछा है कि क्यू नॉट को कहां पर रखें कि संतुलित हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हमने आपको समझा ही रखा है, अगर दो पॉजिटिव आवेश होते हैं तो आप आवेश हो चाहे बिंदु हो, सब कहां पर होगा, अंदर होगा, अंदर की बात होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक आपका पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाए तो बात अब अंदर की नहीं रह जाएगी, पूरे बाहर फैल जाएगी बातें। ठीक है, यानी कि बिंदु जो होगा वो कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा। क्यू नॉट को आप कहाँ रखोगे, बाहर रखोगे, और बाहर में भी कहाँ रखेंगे दोस्तों, छोटे छोटे आवेश के पास में आप रखोगे क्यू नॉट को, पास में आप लोगे एक बिंदु। ठीक है, तो दोनों में से दोस्तों छोटा आवेश कौन है, तो छोटा आवेश तो यही है ना, तो इसी आवेश के पास में दोस्तों आप बिंदु लोगे जो लेना है, इसी आवेश के पास दोस्तों आप क्यू नॉट को लाकर रखोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बिंदु दोस्तों जो है इस छोटे आवेश से एक्स दूरी पर है, तो सॉल्यूशन आपका यहां पर अब स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तुरंत आप लिखोगे ना, इतना कार्यक्रम करके तुरंत आप लिखोगे कि माना क्यू नॉट को माइनस ई आवेश से बाहर एक्स दूरी पर रखते हैं। ठीक है, और रखने से क्या होगा, तब वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तब वह संतुलित आपका हो जा रहा है, संतुलित हो जाता है। ओके चलिए, अब संतुलित हो जाता है, इसका मतलब है कि इस पे बल ही दोस्तों पूरा जीरो हो जा रहा है, टोटल बल ही आपका जीरो है इस क्यू नॉट पर, और क्यू नॉट पे तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, दो आवेश दोनों इस क्यू नॉट पे बल लगाएंगे, ये भी बल लगाएगा। ठीक है, एक प्लस का ई, प्लस का एक प्लस का 9e एक बल लगाएगा और एक माइनस का e बल लगाएगा। ठीक है, तो प्लस 9e के कारण एक बल लगेगा स्टूडेंट्स, लेट सपोज ये आपका F1 है, और एक माइनस e के कारण, माइनस e के कारण एक बल लगेगा, लेट सपोज ये वो बल है वो आपका F2 है। ठीक है, देखिए प्लस e क्या करेगा, इसको ढकेलेगा इधर की ओर ऐसे, माइनस क्या करेगा, इसको पास बुलाएगा इधर की ओर। अगर सोचो, अगर इधर जो बल लग रहा है F1, इधर जो बल लग रहा है F2, अगर दोनों बराबर हो जाए तो भाई ये आवेश ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये तो लटका रह जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए, तो F1 F2 को बराबर करो ना, क्या सोच रहे हो, तो जगह बनाइए जरा, तो ये बनेगा जगह इसको इरेज करके, क्या करना है आप सभी को पता चल गया सर, F1 को F2 के बराबर करना है, और बल तो हमें निकालना आता ही है, शुरुआत से यही तो कर रहे हैं, बल आपका क्या होता है, कूलाम बल के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, तो F1 हमें निकालना है, F1 क्या है,
फिर देखिए 9 9 e के कारण बल है, तो 9 e आपका ये है, पहला आवेश ये है, बल किस पे देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, तो ये दूसरा आवेश, पहला दूसरा, तो बल आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स के 9 e क्यू नॉट एंड इन दोनों भाई बहनों के बीच की दूरी, ये वाली भाई कितनी दूरी पर ये आपका क्यू नॉट है, तो वह दूरी आप खुद देख लोगे, ये 16 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे x को जोड़ेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा भाई। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, 16 में x को जोड़ दीजिए, 16 में x को जोड़ेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा d आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रख देना है स्ट्रेंस क्या, 16 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, बराबर अपनी में हम निकालते हैं F2 क्या है दोस्तों, फिर देखिए माइनस ई के कारण बल है और इन्हीं दोनों को तो बराबर करना है, तो माइनस ई के कारण बल F2 क्या है, माइनस ई के कारण इस पे बल है, पहला अभी दूसरा, पहला दूसरा यानी कि के ई क्यू नॉट, पहला दूसरा का गुणनफल और दूरी का स्क्वायर, दूरी है x तो x का स्क्वायर कर देंगे हम सभी प्यार से। आगे बढ़ते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो आप दोस्तों मैच समाप्त होने वाला है इस पर सवाल का, क्योंकि आप देखिए विकेट गिर चुका है, के से के आपका खत्म हो चुका है, ई से ई आपका आउट हो चुका है, क्यू नोट आपस में ही लड़ भर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका बचता क्या है यहाँ पर, 9 केवल बच रहा है, 9 बच रहा है और बटे में ये है, तो ये आपका है 9 स्टूडेंट्स, 9 और बटे में ये है ना, तो इसको इधर कर देते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैथ वाले स्टूडेंट्स अपनी कलाकारी दिखा देंगे, कहेंगे सर यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ और इस पे फांसी का फंदा चढ़ा दो, 9 पर स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा और रूट में अगर 9 है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 बन जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है आपको भाई, x यहाँ पर गुणा होगा तो ये 3x बना देगा, ये भी खत्म, 3x में से x जाएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं आगे का मामला समाप्त, 3x में से x जाएगा तो 2x बनेगा आपका, एंड ये जो 2x है ये बराबर होगा 16 के, एंड x का मान यहाँ से आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि दोस्तों क्यू नॉट को हम कहाँ रखेंगे, माइनस ई से बाहर की ओर 8 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इतना मस्त सवाल था स्टूडेंट्स, ऐसा सवाल आप जान लो 5 नंबर या फिर 4 नंबर में ही आता है, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स फंसते हैं, लेकिन आपको एकदम आसान तरीका कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैसे उड़ाना है वो बता दिया, तो आप करके आओगे ना आप सभी, पूरा विश्वास है। बस कुछ सवाल और बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्लक्स से संबंधित जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखना है बस, ठीक है। फिर वीडियो आपकी ख़त्म, एक भी सवाल बाहर आ जाए एग्जाम में तो कहिएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके सवाल आया है 2023 का, जो कि होगा हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देख रहे ना 10 क्वेश्चन करेंगे, बस वीडियो खत्म होने वाली है, 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन दमदार रहेगा, आसान से हार्ड हर एक क्वेश्चन हमने किया इस वीडियो में। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा है, ठीक है, दिया है आपको वैद्युत क्षेत्र इतना है, एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल जिसका इतना क्षेत्रफल है से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, आपको 2 चीज़ दे दिया है और 1 चीज़ पूछ लिया है। वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है 3i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है। एंड जो क्षेत्रफल दिया है दोस्तों जिससे वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, जिस क्षेत्रफल में से, ठीक है, वो क्षेत्रफल है 10i कैप, क्लियर। एंड मीटर का स्क्वायर भाई, ये क्षेत्रफल, एंड ये है वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम, क्लियर। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है सवाल के अकॉर्डिंग। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, ई डी ए होता है, ओके, इनके बीच में डॉट वर्क करते हैं और यही आगे जाकर दोस्तों ई डॉट ए हो जाता है, यही हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र हमें पता है, क्षेत्रफल हमें पता है, तो इन दोनों के बीच में बस क्या करना है, हमें अदिश गुणनफल करना है, अदिश गुणा हमें बस करना है इन दोनों के बीच में। 2 सदिश दिए हुए हैं ई और ए, इन दोनों के बीच में अदिश गुणा कर दीजिए आप सभी, ठीक है। तो फ्लक्स आपका बराबर हो जाएगा, ई है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, इनके बीच में अदिश गुणा करना है किसके साथ, 10i कैप के साथ। तो कैसे होता है अदिश गुणा, ये भी सीख लीजिए यहाँ पर।
देखिए अधीश गुणा में क्या होता है ना, जो आई के साथ यहाँ पर जो लिखा है ना, इधर में जो होगा आई के साथ ही गुणा होगा। यहाँ पर आई के साथ तीन है ना, तो इधर में देखो आई के साथ क्या है, दस है, तो तीन का गुणा दस में कर दीजिए। तीन गुणे दस, आई के साथ यहाँ तीन था, यहाँ पर आई के साथ क्या है, दस है, तो आई का आई के साथ गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो तीन गुणे दस ये हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए आप सभी। आप देखिए यहाँ पर जे के साथ क्या है दोस्तों, चार है, और यहाँ पर देखो जे के साथ कुछ है, सर जी यहाँ तो जे वाला टर्म है ही नहीं, मतलब जे के साथ क्या है दोस्तों, जीरो है। तो चार का गुणा आप कर दीजिए दोस्तों जीरो से। क्लियर, और कुछ रहा नहीं, फिर से देख लीजिए अधीश गुणनफल आप सीख जाएंगे। अधीश गुणनफल में क्या होता है, दो सदिशों को देखिए, यहाँ पर आई के साथ तीन है, तो यहाँ पर आई के साथ क्या लिखा हुआ है, दस, उससे गुणा कर दीजिए। फिर प्लस लगाइए, अब जे को पास आइए, जे के साथ चार है, यहाँ पर जे के साथ कुछ है नहीं है, तो जीरो से गुणा कर दीजिए, बस खत्म। तीन गुणे दस तीस हो गया ना, बाकी जीरो जीरो बटा सन्नाटा, ये हो गया आपका फ्लक्स। मात्रक लिख दीजिए, आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, फ्लक्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेंथ। तो स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन सवाल और आखिरी सवाल, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में डाल लीजिए। ठीक है, स्टार भी बना देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये देखिए, एक अनंत लंबाई एक समान आवेशित सीधी तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है। अच्छा, तार से 2 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि मिला जुलाकर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और दिया क्या है आपको दोस्तों, कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है दोस्तों। अनंत लंबाई का तार कैसा होता है भाई, बहुत बड़ा है, ये तार हमने बना दिया दोस्तों, बहुत बड़ा है, अनंत लंबाई का है, आवेशित तार है, मान लीजिए आवेश है इस पे, इस तरह प्लस प्लस प्लस, ओके ठीक है। एंड इसका रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों हमें लैम्डा दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व तो ही लैम्डा होता है, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, एकदम आसान, रेखीय आवेश घनत्व हमें दिया है कितना है सवाल के अनुसार, 10 × 10⁻⁸, 10 × 10⁻⁸ कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते क्या है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब इस तार से दोस्तों हमें जाना है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, एंड एक बिंदु होगा यहाँ पर, वही बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र कितना है। ओके ठीक है, चलिए तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ही सिंपली लगाना है, जो दूरी है दोस्तों r, वो है आपकी 2 सेंटीमीटर, बोले तो 2 × 10⁻²⁰ मीटर। अब तो बिना कहे आप समझ जाओगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया 10⁻²² से गुणा करके। ओके, अब बताइए वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद करिए, हमने बताया था क्या होता है, 2k λ/r, यही होता है फॉर्मूला, बस रखना है चीज़ों को। 2k का मान होता है दोस्तों 9 × 10⁻⁹ गुणे में, लैम्डा क्या होता है दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व जो कि दिया है सवाल में स्टूडेंट्स, क्या है 10 × 10⁻⁸, ओके, और बटे में चीज़ें आएंगी। अब r जो दूरी है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²⁰, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 2 से 2 कट चुका है आपका, 9 यहाँ पर है आपका 9, एंड 10⁻² में क्या क्या है बस उसको इकट्ठा कर लीजिए आप, 10 के घाते पे सबको इकट्ठा कर दीजिए आप, 9 को उतार दिया, 10⁻⁹ है तो यहाँ 9 लिखिए, यहाँ पर 10 के घाते 1 है, यहाँ 1 लिखिए जोड़कर, यहाँ पर माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिखिए, एंड बटे में क्या है -2 है, तो ऊपर जब आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 2 लिख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए जरा दिमाग से, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। 9 × 1 = 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 × 2 = 4, मतलब कि आपका आ गया क्या, तो आइए आपका बन गया उत्तर 9 × 10⁴। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना था भाई, 9 × 1 = 10, 10 में से 8 गया 2, 2 × 2 = 4 आपका बन गया। ये आपका दोस्तों क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब न्यूटन पर कूलम्ब, यही आपकी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है। अब दोस्तों जाने से पहले एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देना चाहेंगे, जो कि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं और उसको आप कमेंट जरूर करिएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं, पहले इसको इरेज करके वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो होमवर्क का सवाल आपका क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आसान सा सवाल है। देखिए
सवाल को आप यहाँ पर फिगर से समझ लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, तो हम पहले ही बना दे रहे फिगर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये है आपका पहला आवेश Q1, ये है दूसरा आवेश Q2, इनके बीच की दूरी भाई है R, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में बल लग रहा है F, क्लियर, ये है इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ बल, दो आवेश के बीच में बल है ये आपका, ठीक है सर जी। पैक अब पूछना क्या है हमें, देखिए क्वेश्चन है मेरा ना कि अगर दोस्तों आपके आवेशों को हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, यानी कि जो Q1 आवेश है इसको हमने दोस्तों दो गुना कर दिया, 2Q1 कर दिया, ये दूसरा आवेश को भी हमने दुगना कर दिया, ठीक है, एंड इसके बीच की दूरी को भी दुगना कर दिया, तब दोस्तों जो बल होगा ना, नया वाला बल F न्यू, नया बल ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, वही आपको हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तुरंत कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कॉपी पे बताइए स्टूडेंट्स, एंड गलत सही जो भी बताइए हम रिप्लाई में आपको आंसर सही बता देंगे इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि बल आपका जो नया है ना वो पहले ही वाला बल होगा, यानी कि बल आपका बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बल आपका दोगुना हो जाएगा दोस्तों, पहले का दोगुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो बल है ना वो चार गुना हो जाएगा, एंड चौथा ऑप्शन ये है, ध्यान से दीजिएगा देखिएगा, चौथा ऑप्शन है कि बल आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, बताइए क्या करेक्ट है ए बी सी डी, एंड सॉल्व करके तुरंत कमेंट करिए। तो ये रही दोस्तों हमारी आज की पूरी ये वीडियो स्टूडेंट, जिसमें पूरा हमने चैप्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट आंकड़े प्रश्नों को डिस्कस कर दिया, एंड मेरा विश्वास है कि इससे बाहर एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, हमने तो आपको एक्स्ट्रा भी करा दिए, ठीक है, हर एक टाइप का सवाल करा दिया, वैगुत फ्लक्स दूधो आगुण, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो दोस्तों दूधों के कारण वैगुत क्षेत्र की तीव्रता हो, सब कुछ करा दिया, आप खुद ही देखिए स्टूडेंट सब कुछ करा दिया, इतना कोई आप प्रैक्टिस करिए और इससे बाहर नहीं आने वाला स्टूडेंट, पूरा 200% गारंटी है, बस मेहनत करिए आप सभी, हम आपके लिए है ना, मेहनत करने के लिए आप बस सही डायरेक्शन पे फोकस करिए, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस यही कहेंगे, अच्छी लगी पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अगर अभी तक नहीं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो रेड आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ जाए, बिकॉज हम दिल से जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है, शेयर लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जाने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट में जरूर इसका आंसर दे दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, एंड जो भी स्टूडेंट्स दोस्तों नए हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, क्लास 12 फिजिक्स क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 डालकर प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप हर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहे वो आंकड़े प्रश्न हो डेरिवेशन हो थ्योरी हो कॉन्सेप्ट हो सब सीरीज वाइज में आप फॉलो करके पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, एंड हाफ ईयरली हो या बोर्ड हो या स्टूडेंट्स प्री बोर्ड हो सब में 100 out of 100 स्कोर करके दिखाना है आप सभी को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते रहें खुश रहें आगे बढ़ते रहें, जय हिंद वंदे मातरम।